Hey there, Leo. Welcome to my channel Dream Diary Route. Hope you are fine in your life. और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अब यहाँ पे स्प्रेड जो है वो लेआउट कर दिया है. और ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्प्रेड है, ये लव रिलेशनशिप स्प्रेड है, क्योंकि ये आपकी लव रीडिंग है फ्रॉम दिसंबर 15 टू 31st. सो लेट्स सी व्हाट्स व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू इन रिमेनिंग डेज ऑफ दिसंबर. ये आपके कार्ड्स हैं और ये आपकी एनर्जी से, ये आपके पार्टनर के कार्ड और आपके पार्टनर की एनर्जी से, और ये ओवरऑल जो आपकी लव लाइफ में चल रहा है उसके हवाले से एनर्जीज हैं. तो ओवरऑल आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ. आप चाहते हैं कि एक म्यूचुअल कोलाब्रेशन से, एक स्टेबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ें अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में. और जो भी अगर आपका रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, चाहे आप ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर आप इन लव रिलेशनशिप में हैं, तो आप म्यूचुअल कोलाब्रेशन से एक टीम वर्क की तरह अपने इस लव रिलेशनशिप को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ. जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि आपकी डिज़ायर है म्यूचुअल कोलाब्रेशन से आगे बढ़ना, जैसे कि आप अपने पार्टनर के साथ जो है वो स्टेबिलिटी चाहते हैं. आपकी ख्वाहिश है कि एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक लव लाइफ हो आपकी, और आपका मतलब स्टेबिलिटी ये कि आपके हो फाइनेंशियल भी स्टेबिलिटी हो और लव में भी स्टेबिलिटी हो, कि आपके पार्टनर जो हमेशा आपके साथ रहें, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ यानी मैरिज कमिटमेंट में आपके साथ रहें. और हो सकता है आप घर की ख्वाहिश कर रहे हो अपने पार्टनर से, और आप जो हैं बहुत ज़्यादा आपकी जो ये ख्वाहिश है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिस्टीरियस ही होती जा रही है, जो कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस हवाले से. चीज़ें हिडन हैं अभी आपके, आपको ख़ुद नहीं पता चल रहा कि ये कहाँ, ये स्टेबिलिटी किधर है, कहाँ से आएगी, कैसे आएगी. लेकिन आप जो है वो, और आप बहुत ज़्यादा हसरत से दूसरों की स्टेबिलिटी को भी देख रहे हैं, और या फिर हो सकता है कोई आपके ऊपर इस आपकी स्टेबिलिटी, आपकी अगर अच्छी लाइफ आपके साथ, आपके आपके पार्टनर के साथ चल रही है, तो हो सकता है बहुत से लोगों ने उस पर नज़र भी लगा रखी हो. तो यहाँ पर या फिर ये हो सकता है कि आपकी स्टेबिलिटी से लोग जल रहे हों, यहाँ बहुत ज़्यादा जेलसी भी मुझे नज़र आती है. लेकिन आप म्यूचुअल कोलैबोरेशन से अपने पार्टनर के साथ चल रहे हैं इस वक्त, एक टीम वर्क के साथ आप और आपके पार्टनर जो है वो सेम पेज पे हैं. कभी कभी ऐसा जैसे माइंड क्लैशेस हो जाते हैं कि आपके पार्टनर कुछ सोच रहे हैं और आप कुछ सोच रहे हैं, ऐसा अभी नहीं है. आपकी आपकी लाइफ में अभी आप जो है बिल्कुल म्यूचुअल कोलैबोरेशन से एक आपके और आपके पार्टनर जो है वो एक माइंड पे होकर चल रहे हैं, और आपको ये चीज़ स्टेबल लग रही है अपनी लाइफ में, आप जो ख्वाहिश कर रहे थे. लेकिन पूरी तरह से ये स्टेबिलिटी अभी नहीं है, पूरी तरह से अभी ये स्टेबिलिटी नहीं है. लेकिन इसलिए आप जो है आप हसरत कर रहे हैं कि हो सकता है आप घर के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी स्टेबल लाइफ में, अपने अपने पार्टनर के साथ एक नए होम में आप जो हैं, एक नए होम में आप रहना चाहते हो. ये आपकी एनर्जीज हैं कि आप बहुत ज़्यादा हसरत कर रहे हैं इस स्टेबिलिटी के लिए, म्यूचुअल कोलैबोरेशन के लिए. जो ख्वाहिश है आपकी वो आप चाहते हैं पूरी है, लेकिन आपको अभी बहुत ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन है इसमें. आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं. आपके वैसे अंडरनीथ द डेक में एस ऑफ पेंटिकल है, तो एक न्यू स्टेबिलिटी की बिगनिंग हो रही है. हो सकता है कोई नई कमिटमेंट आपके पार्टनर की तरफ से आपको मिल रही हो, तो ये गिफ्ट भी हो सकता है किसी किस्म का. तो आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ एक डेफिनेटली एक स्टेबल लाइफ की स्टेबल लाइफ का आगाज़ कर रहे हैं. यहाँ पे टू एसेज हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है. तो आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ जो है वो म्यूचुअल कोलैबोरेशन के साथ रहना चाहते हैं. इस सोलमेट कनेक्शन में वो भी थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि आपका कनेक्शन तो है सोलमेट, लेकिन यहाँ पर कुछ इमोशनली फुलफिल्ड रिलेशनशिप के हवाले से वो बहुत ज़्यादा, हो सकता है फैमिली के हवाले से वो ज़्यादा कंफ्यूज्ड हों. आप और आपके पार्टनर एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन से चल रहे हैं, लव आपका डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे फैमिली की बात आती है. तो हो सकता है अगर आप बच्चों के हवाले से परेशान हैं, तो एक स्टेबिलिटी होती है एक फैमिली, कंप्लीट फैमिली, हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रंस बच्चों से होती है. तो बच्चों की हो सकता है कमी हो, या आपकी स्टेबिलिटी में, आपकी होम एंड फैमिली लाइफ में किसी हवाले से कुछ कमी हो सकती है. आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए हो सकता है
किसी कश्मकश में हो, लेकिन आपके पार्टनर के साथ हो सकता है आपके एक न्यू थिंकिंग की थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा हो सकता है आपके माइंड में अपने पार्टनर के हवाले से कोई क्लैरिटी आ रही हो, इस ह्यूमन फैमिली के हवाले से कोई क्लैरिटी आ रही हो, कुछ नया आप अपने लाइफ में करना चाहते हो और कुछ नया सोच रहे हो, कुछ स्टेबल करना चाह रहे हो। अगर ये आपके अगर ये आपके पार्ट आपकी एनर्जी ये नहीं है कि आप किसी और पे किसी और की जिसको हसरत से देख रहे हैं, हसरत से कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये आपकी और आपके पार्टनर की कम्युनिकेशन भी हो सकती है, एक मैसेज एक्सचेंज भी हो सकते हैं। हो सकता है आप की कम्युनिकेशन में कुछ रास्ते खुले हैं। पहले आपकी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन अपने पार्टनर के साथ, लेकिन अब हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी कम्युनिकेशन में कुछ नई शुरुआत हो, तो आप अपने पार्टनर से पहले जो नहीं कह सकते थे अब वो आप कह पाते हो, जिसकी वजह से ये म्यूचुअल कोलेब्रेशन और एक टीम वर्क की तरह आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करके अपनी फैमिली लाइफ के हवाले से बातचीत करके इसको एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कर हो ये बन रहा है। सो अब देखते हैं कि आपके आउटकम क्या है। लियोस, एक आउटकम देख लेते हैं। दो कार्ड ऑलरेडी आ गए, तो यहाँ पे डेफिनेटली क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक और कार्ड लेते हैं, गॉड, ये लॉट ऑफ कार्ड्स हैं तो मैं इनको कंसीडर नहीं करूँगी। डेफिनेटली एक कार्ड यहाँ पे फेल आउट हुआ है। सो डेफिनेटली एक न्यू कम्युनिकेशन की बिगिनिंग हो रही है और यहाँ पर एस ऑफ कप, तीन एसेस हो गए हैं यहाँ पे, एस ऑफ कप, एस ऑफ सॉर्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल। सो न्यू इमोशनल बिगिनिंग हो रही है। आप अपनी इमोशन से फुली अवेयर हैं या फिर आप इन दो पर्सन से डील भी कर रहे हो, हो सकता है एक साथ, एक वाटर साइन और एक एयर साइन, और आप स्टक हुए हैं किसी नेगेटिव थॉट में। आप इस नेगेटिव थॉट से बाहर निकल रहे हैं और इस कम्युनिकेशन से, क्लियर कट कम्युनिकेशन करके अपने पर्सन के साथ जो भी क्लैरिटी थी, जो भी कम्युनिकेशन आप नहीं कर पाते थे, अब वो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं और जो भी नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में या आपके पर्सन के माइंड में थी, उन नेगेटिव थॉट्स को आप रिमूव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, एक अपनी फैमिली के साथ, और एक इमोशनली एक रिलैक्स्ड होगा आपका रिलेशनशिप उनके साथ। सो लियो, दैट वाज योर रीडिंग फॉर द दिसंबर मंथ, 15 to 31 दिसंबर। होप इट्स रेजोनेट्स यू। इफ इट्स, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन द कमेंट बिलो। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।